बालको के चोटिया कोयला खदान ने वर्ष 2018-19 का FIMI मिश्री लाल जैन पर्यावरण पुरस्कार जीता। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार केंद्रीय खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के हाथों बालको के चोटिया कोयला खदान प्रमुख श्री राजीव कुमार, मुख्य औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी खान श्री प्रमोद रंजन और कॉर्पोरेट अफेयर्स सह महाप्रबंधक श्री रमेश नारंग ने ग्रहण किया। बालको को यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा सतत खनन प्रक्रिया में पर्यावरण के मानदंडों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए दिया गया। समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिमीज द्वारा हमको जो अवार्ड मिला है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल माइनिंग, इसके लिए इस साल चोटिया माइन को हमें अवार्ड मिला है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे कंपनी के लिए, हमारा माइन के लिए, क्योंकि फिमी का ये एनवायरमेंटल अवार्ड तीन साल एक बार देने के बाद तीन साल नहीं अप्लाई करने के लिए नहीं देते हैं, मतलब इतना बड़ा एक उसका भाव रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। तो इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद हमारा जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी, इसका जो पर्यावरण के लिए हम जो काम करें उसको बनाए रखें और भी बढ़ावा करें, इस दिशा में हमको और भी काम करना पड़ेगा।